हमारे चैनल लर्न कुरान विद डॉक्टर फरहत हाशमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन करें। आज के दौर में घर के अंदर ऐसी चीजें मौजूद होती हैं। टेलीविजन भी अब बहुत पीछे रह गया है, मूवीज भी पीछे रह गई हैं। इंटरनेट के फितने से जो कुछ सामने आ रहा है और जिस तरह पोर्नोग्राफी और फहाशी और बेहयाई और हर किस्म की तस्वीरों से और हर किस्म की उड़िया चीजों से हमारी यंग नस्ल को एक्सपोज किया गया है, ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है। और खुसूसन उस वक्त जब बच्चियों की शादी नहीं होती है, शादी में ताखीर हो जाती है और जवानी की उम्र ढलने लगती है, तो उनके लिए आजमाइश और भी बढ़ जाती है। हम जब कुछ देखते हैं गलत, चाहे वो टेलीविजन पे हो या कंप्यूटर की स्क्रीन पे या फेसबुक पे या कहीं पर भी, किसी भी बुरी वेबसाइट पे, अम्मा अब्बा सो रहे हैं, बहन भाई भी सो रहे हैं, अकेले हमारे मोबाइल पे है सब कुछ हम देख रहे हैं, कौन देखता है उस वक्त, हमें कौन देख रहा है उस वक्त? अल्लाह ताला, अगर हया होगा, ईमान होगा तो फौरन इंसान डर जाएगा। इंसान सोचेगा हे अल्लाह ताला क्या कहेंगे कि इसने अपने दिल को कैसा कबाड़खाना बना रखा है, इसकी निगाहें क्या देख रही हैं, म्यूजिक सुनते वक्त क्या ख्याल आएगा, किसी को नहीं पता हम क्या सुन रहे हैं। हो सकता है अम्मा को धोखा दे रहे हो कि हम तिलावत सुन रहे हैं, लेकिन एक बटन बदलने की देर होती है ना, उसी गैजेट से इधर से उधर, ऊपर से नीचे किसी और चीज पर क्लिक कर दे, किसी को नहीं पता, कोई नहीं देखता। और अब तो इतने छोटे छोटे वो कानों में डालने वाले होते हैं कि हम लोगों के बीच में बैठ के भी छुपा के सब कुछ सुन सकते हैं, कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं जानता, कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन जानता है, कौन है अस्समीउल अलीम, कौन? अल्लाह। तो जब तक उससे हया ना करेंगे, जब तक उससे नहीं डरेंगे, जब तक उससे नहीं शर्माएंगे कि वो क्या कहेगा कि ये लड़की क्या कर रही है, अल्लाह ताला मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे तो उसके सामने जाके खड़े होना है, उसने मेरा हिसाब लेना है, उसने मुझसे पूछना है, मैं भला किसी नॉन महरम से छुप के कहां से बातें कर सकती हूँ, मैं गंदी गंदी बातें नहीं कर सकती, मैं अपनी जबान से ऐसी कोई बात नहीं निकाल सकती, मैं किसी लड़के से दोस्ती नहीं कर सकती, क्यों? इसलिए कि मेरा रब मुझे देख रहा है। सिर्फ लिबास और सिर्फ एक खास स्टाइल बना लेने से भी बात नहीं बनती जब तक दिल के अंदर हया नहीं। ये तो हया के तकाजे पूरे करने के लिए एक आउटर गारमेंट है, लेकिन असल चीज फिर क्या है कि दिल के अंदर हया हो, आंखों में हया हो, क्योंकि जब तक अंदर हया नहीं, दिल के अंदर अल्लाह का डर नहीं होगा, तकवा नहीं होगा, तो आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात औरतें पूरी की पूरी ढकी होती है, इसके बावजूद गलत काम कर रही होती है, और वो दूसरों के नोटिस में भी आ रहा होता है, बुरका पहन के हिजाब के अंदर भी वो मर्दों से इस तरह चहक चहक के बातें करती है कि जिससे मना किया गया है। तो जरूरत इस बात की है कि हम ईमान के तकाजों को पूरा करें। ईमान की 70 से ऊपर कुछ शाखें हैं, जिनमें से एक शाख हया है। हदीस के मुताबिक हया जब दिल से निकल जाता है तो ईमान भी चला जाता है। हया और ईमान लाजिम और मलजूम है, साथ साथ है। अगर हया है तो ईमान है, ईमान है तो हया भी होगा, लेकिन अगर हया रुखसत हो गया तो ईमान भी रुखसत हो गया। और हया सारे नेक अमाल की बुनियाद में है, क्योंकि जब इंसान के अंदर हया नहीं रहता, इदा लम तस्तहि फस्ना मा शिता, जब तुम्हारे अंदर हया नहीं तो फिर जो चाहो करो। तो हया इंसान को खूबसूरत बनाता है, हया इंसान को नेकी पर उकसाता है, हया इंसान को बुरी आदत, बुरे अखलाक, बुरे मामलात और बुरे कामों से रोकता है। वो एक नफसी हालत है, यानी इंसान के अंदर की एक ऐसी कैफियत है, वो अंदर का एक ऐसा एहसास है कि जो इंसान को मजबूर करता है कि वो अपनी जबान, अपने हाथ, अपनी निगाहों, अपने कानों, अपने कदमों से कोई गलत काम ना करे, रोक लेता है, खींच लेता है। यानी हया बुराइयों, बुरे अखलाक और बुरे किरदार के लिए एक रुकावट बन जाता है, एक आड़ बन जाता है, और इस तरह इंसान को खूबसूरती देता है। हया का लफ्ज भी आप देखिए तो हयात से है, हयात कहते हैं जिंदगी को, तो ये किसकी जिंदगी है? हयातुल कल्ब है,
دل کی زندگی ہے. کیونکہ اگر حیا ختم ہو جائے, مر جائے, نکل جائے, تو پھر انسان کا دل بے حس ہو جاتا ہے. پھر انسان ہر طرح کی برائیاں کرنے لگتا ہے اور وہ برائیاں اس کے دل کو سخت کر دیتی ہیں. پھر انسان گناہ کرتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں رہتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں نے ایک بڑی عمر میں جا کر اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کیا, حجاب وغیرہ کیا, تو اگر وہ اپنا پاس دیکھے تو بہت سے لوگوں نے اپنا تجربہ مجھے یہ بتایا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں تو کبھی احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں